नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपके साथ में फरहा सदीकी। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सभी दल एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हैं, जहां बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मायावती योगी सरकार पर जमकर बरसी, तो वहीं सपा मुखिया ने भी मैनपुरी के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी की सरकार पर जबरदस्त हमला किया। देखिए रिपोर्ट। आजकल उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों के नेता जनता के बीच पहुँच रहे हैं। कोई जनसभा कर रहा है तो कोई सम्मेलन के जरिए जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के समापन समारोह के दौरान कई मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इसमें क्यों पीछे रहते। सो अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर जोरदार हमला बोलने में देरी नहीं की। उन्होंने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी के झूठ से बचो, इनके झूठ प्रचार से बचो। देश की और दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। इतना ही नहीं, अखिलेश का निशाना सिर्फ सूबे की योगी सरकार पर नहीं था, बल्कि मोदी सरकार को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की दो सरकारें हैं, एक दिल्ली की और दूसरी यूपी की, यानी डबल इंजन की सरकार है। लेकिन हमें लगता है कि डबल इंजन की सरकार के दोनों ड्राइवर भाग गए हैं। डबल इंजन की सरकार चलाने वाले लोगों को विकास दिखाई नहीं दे रहा और ना ही वो विकास करना चाहते। वहीं इससे आगे बढ़ते हुए अखिलेश यादव ने विकास के मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि असली मुद्दे विकास के बेरोजगारी के हैं, जिन पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं। वहीं जब अखिलेश बीजेपी पर हमलावर थे तो और भी कई मुद्दों को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को झूठा सम्मेलन बताया और बोले ये लोग असली मुद्दों के सम्मेलन नहीं करेंगे, ये बताएंगे इनके संकल्प पत्र का कौन सा काम पूरा हो गया। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था, पहले पन्ने पर लिखा कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे और दूसरे पन्ने पर लिखा उत्तर प्रदेश में डेयरी को लेकर नई योजनाएं बनाएंगे, जिससे डेयरी को बढ़ावा दे सके और ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों पन्ने फाड़ दिए, अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया, इसलिए चुनाव से पहले अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं। अखिलेश ने बीजेपी पर कई मुद्दों को लेकर निशाने साधे, राष्ट्रीय संपत्ति से लेकर बीजेपी के संकल्प पत्र तक और बेरोजगारी से लेकर बीजेपी के विकास के दावों तक। साथ ही हिंदुत्व के मुद्दे पर तो वो काफी आक्रामक दिखाई दिए। बोले कि सभी लोग हिंदू हैं और जितने भी आए हैं घर में अगरबत्ती जलाकर आए हैं, हम भी अगरबत्ती जलाकर आए हैं, भाजपाई कहीं अगरबत्ती नहीं जलाते। यानी कहीं ना कहीं इसके जरिए खुद का हिंदुत्व भी साबित करने से अखिलेश बाज नहीं आए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।